जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी तिथि होती हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम उन तिथियों का लाभ उठाएं, जिस तरह से ग्रह गोचर होते हैं, ग्रह राशि परिवर्तित करते हैं और आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां लेकर आते रहते हैं, योग होते हैं, वो योग के प्रभाव जो हैं वो उन ग्रहों के साथ मिलकर आपको उनके रिजल्ट देते हैं, वैसे ही ऐसी तिथियां भी होती हैं जिन तिथियों पर अगर आप कुछ उनसे जुड़े हुए कार्य कर लें, उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय कर लें, तो उनका जो प्रभाव है, उनका जो बेनिफिट है, वो आपको बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी चीज के बारे में बात करने वाली हूं। नाम आपको पता है और इसका जो प्रभाव है वो बहुत उत्तम होता है। अगर आप यकीन करते हैं और आप सच्चे मन से करते हैं तो वाकई में इसका जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने थंबनेल में लिखा है 10 सितंबर से 25 सितंबर तक का समय। आपको सिर्फ एक काम करना है, हर काम में आपकी किस्मत चमकेगी और ये बात सच है। आप जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी दुकानदारी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्रहों की स्थितियों से भी हमारा नुकसान हो रहा होता है या काम नहीं चल रहा होता है या दुकान चल रही है या बिजनेस चल रहा है पर बरकत नहीं हो रही है। ऐसी स्थितियां हर किसी के जीवन में आती रहती हैं। उनके कई रीजन होते हैं, उनमें से एक होता है पितरों का। अब इस महीने में 10 से 25 सितंबर तक पितृ पक्ष शुरू होने वाले हैं, यानी कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है जो कि शनिवार के दिन से शुरू होगा। ये श्राद्ध पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे हिंदू धर्म में, बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने पितरों को आशीर्वाद प्राप्त करके, उनको प्रसन्न करके अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस दौरान हम हमारे जो पूर्वज हैं उनको श्रद्धा भाव से याद करते हैं। कहते हैं कि पितृ पक्ष में हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसीलिए उनके नाम से श्राद्ध किया जाता है, सही तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। जिनको तिथि नहीं पता होती है वो जो सर्व पितृ अमावस्या यानी सभी पितरों के लिए दान करने का दिन, सभी पितरों को प्रसन्न करने का दिन, एक ये दिन भी माना जाता है। तो ये 25 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान आपको जो कार्य करना है वो आप जरूर करेंगे, ये जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूं, और बहुत ही आसान सा सिंपल सा है। आप अगर आपके जीवन में वाकई में इस तरह की परेशानियां चल रही हैं कि आपके पास जॉब भी है, आपके पास दुकानदारी भी है, आपके पास बिजनेस भी है, यानी किसी भी तरह के कर्म क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में कलह है, घर में शांति नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं है, पैसा भी नहीं बचता है, कुछ ना कुछ यानी होता ही रहता है, तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो अगर आपको पितृ दोष भी है तो ये समय आपके लिए सबसे उज्जवल, सबसे उत्तम रह सकता है। अब आपको करना क्या है, हर कोई चाहता है कि उनका जीवन खुशी से बीते, और जब आपको ये बात पता चले और आप भी, आपका भी मन हो कि हाँ आप भी अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और वो प्रसन्न होकर इस सर्व पितृ अमावस्या पर वापस वैकुंठ धाम लौट जाएं। तो 16 दिन का ये समय है। इस दौरान आप जो आपके पितरों की तिथि है, पितरों की तिथि यानी जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ या जो जिस तिथि को उन्होंने प्राण त्यागी, उस तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। अगर आपको तिथि पता है तो आप उस दिन उनका प्रसन्न कर सकते हैं, उनके पिंडदान कर सकते हैं, उनके नाम से कोई दान कर सकते हैं, उनके नाम से कोई पूजा करा सकते हैं। या आपको नहीं पता है अगर अपने किसी भी पितृ का कि आपके पूर्वजों में आपके जो दादा परदादा जो थे, दादी परदादी, चाचा जो भी कुछ थे, तो उनकी अगर आपको डेट नहीं पता है तो भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय में जो 25 सितंबर का दिन होता है वो उन्हीं व्यक्तियों के लिए होता है जिस दिन आप अपने भूले भटके पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं, ताकि वो खुश होकर इस लोक से, यहां से जाएं और आपको आशीर्वाद दें, खुशी का आशीर्वाद दें, आपके जीवन से हर एक दुख को दूर करने का आशीर्वाद दें। क्योंकि जब उनकी आत्मा तृप्त होती है, जब वो प्रसन्न होकर जाते हैं, तो कहते हैं कि पितृ दोष समाप्त हो जाता है, और पितरों को तारने से परिवार में, यानी पितरों को प्रसन्न करने से परिवार में बरकत आती है, उन्नति आती है,
उनके आशीर्वाद से परिवार में वंश की वृद्धि भी होती है। अगर संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो वंश वृद्धि भी होती है, तो कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है और रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तो यहां मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। पहली तो यह है कि आप सही तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। क्या करें? उनकी पसंदीदा चीजें बनाएं जो उनको पसंद थी, या आप खीर पूरी सब्जी इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं। तो ये चीजें बनाकर आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। वो आप दान कर सकते हैं, कोओं को खिला सकते हैं। कोओं का यहाँ खिलाना उनको बहुत ही ज्यादा ये शुभ माना जाता है। या इसके अलावा आपको नहीं पता उन्हें क्या पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, दूध, तिल, पुष्प, गंध, इन सभी मिश्रित जल जो है वो पितरों को तर्पित करने के लिए अच्छा माना जाता है। पिंडदान किया जाता है, किसी से पूछकर आप पिंडदान कर सकते हैं। तो ये आप पिंडदान उस दिन करें, आपको नहीं पता है तो आप अमावस्या के दिन करें भोजन और पिंडदान। अमावस्या का दिन जो है जो 25 सितंबर को पड़ेगा, इस दौरान आप किसी ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं और चावल या जौ से पिंडदान भी किए जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। किसी को आप वस्त्र भी, किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान भी आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को जब आप भोजन कराएंगे तो वस्त्र और दक्षिणा उनको दान दें ताकि आपके पितर जो है वो प्रसन्न हो जाएं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है कि इन पितृ पक्ष में आपको क्या करना है जो बहुत ज्यादा आपको लाभ दे सकता है, पितृदोष से भी मुक्ति। ये तो चीजें हैं, ये तो आपको करनी है जो हिंदू धर्म के अनुसार है, लेकिन आप इन 15 से 16 दिनों के बीच में अगर आपको कोई निर्धन व्यक्ति, अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति, अगर आपको कोई भूखा व्यक्ति मिलता है तो आप उसको भोजन जरूर कराएं बिना संकोच किए हुए। चाहे आप घर से बाहर हैं तो बाहर भी आप उसको कुछ ना कुछ खिला सकते हैं। आप बाहर जाकर खुद भी खाते हैं तो आप उसके लिए कुछ खरीदें, कुछ मार्केट से खरीद कर ही खिला दें। चाहे समोसा आप खिला सकते हैं या कुछ भी, जो भी आप बाहर जाकर आप भी हमेशा कुछ ना कुछ खाते हैं। तो इन 16 दिनों में अगर आप एक ये नियम कर लेंगे तो यकीन मानिए ये जो पितृपक्ष होगा ना, ये जो श्राद्ध होगा, ये वाकई में आपकी काया को पलट देगा, ये वाकई में आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। तो आप प्रतिदिन एक अपना नियम बना लें, आज मुझे एक निर्धन को खाना खिलाना है, एक भूखे को खाना खिलाना है, या जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको एक वस्त्र देना है। 16 दिन तक आप करें, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज भी आप खिला सकते हैं जिससे उसका पेट भर जाए। तो एक ये कार्य आप करके देखिए और फिर देखिए कि इन 16 दिनों में 25 सितंबर तक आपके जीवन में उसके बाद क्या बदलाव होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बाकी अपने पितरों के निमित्त तो आप तर्पण करें ही, जो भी आपकी डेट होगी। तो ये एक उपाय आप जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।